हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे नाम मुकेश और आज मैं बात करने वाला हूँ आसुस के AIO के बारे में। फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ कि जो आसुस का ऑल इन वन देखने को मिलता है, जो कि हमें लेटेस्ट यानी 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड बात की जाए फ्रेंड्स के प्राइसिंग के बारे में, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव प्राइसिंग के साथ जो ऑल इन वन है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड फ्रेंड्स, के अंदर हमें अभी के जो सारे लेटेस्ट फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड फ्रेंड, बात की जाए इसके प्राइसिंग के बारे में, जो कि फिलहाल MRP जो कि हमें काफ़ी हाई देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रेंड 13 जनरेशन के अंदर हमें अभी तक कोई भी ऑल इन वन जो है हमें नहीं देखने को मिलता है। इसलिए फ्रेंड, इसी यूनिक वजह से हमें इसका जो प्राइस है, जो कि हमें 94,990 रुपीज़ के MRP के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फिलहाल आप इसे आसुस की ई शॉप एंड आसुस का जो एक्सक्लूसिव स्टोर है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। एंड अब बात की जाए फ्रेंड्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो फ्रेंड सबसे पहले बात करो उसके डिस्प्ले के बारे में, तो ये हमें 23.8 इंच की हमें फुल HD IPS एंटी ग्लेयर टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें 250 nits का हमें ब्राइटनेस, 100% हमें sRGB एंड 1000 Gen 1 का हमें कॉन्टैक्ट रेशियो। एंड बात की जाए प्रोसेसर के बारे में, तो फ्रेंड्स के अंदर हमें इंटेल का कोर i5 जो कि हमें 13 जनरेशन यानी जो मॉडल नंबर है, जो कि हमें 1340P देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर हमें जो ग्राफिक्स कार्ड जो कि हमें इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा, जो कि हमें इंटेल का इंटीग्रेटेड आईरिस ग्राफिक्स। एंड साथ ही में हमें 16GB DDR4 RAM, 512GB की हमें PCIe जनरेशन 4 SSD एंड SSD भी हम अपग्रेड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम 2 SSD N2 RAM जो कि हम एडिशनली इसको अपग्रेड कर सकते हैं। बात की जाए कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में, तो फ्रेंड्स के अंदर में Wi-Fi 6E एंड Bluetooth 5.3 देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर हमें एक वेबकैम भी देखने को मिलेगा, जो कि हमें 720p HD वेबकैम, जो कि हमें प्राइवेसी शटर के साथ। एंड इसके अंदर में इंफ्रारेड सेंसर, जो कि हमें विंडो हेलो के सपोर्ट के साथ। एंड इसके अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर्स, जो कि हमें वूफर एंड एरो माइक्रोफोन भी जो है हमें देखने को मिलेगा। फ्रेंड, बात की जाए कनेक्टिविटी पोर्ट्स के बारे में, तो फ्रेंड्स के अंदर हमें थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट, जो कि हमें USB 3.2 Gen Type-C पोर्ट, USB 3.2 Gen 1 पोर्ट, SD कार्ड रीडर, ऑडियो जैक, USB 3.2 Gen 1 × 2 पोर्ट एंड 2 USB 2.0 पोर्ट। एंड साथ ही में हमें DC पिन, जो कि हमें चार्जर के लिए। एंड इसके अंदर में HDMI 1.4, जो कि हमें इन के लिए, एंड आउट के लिए भी हमें HDMI 2.1 भी। एंड साथ ही में हमें RJ45 इथरनेट पोर्ट भी जो है हमें देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, ये तो इसके स्पेसिफिकेशन। एंड बात की जाए इसके प्राइसिंग के बारे में, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। फिलहाल इसका कोई भी कंपटीशन हमें मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिलता है, इसलिए फ्रेंड यही हमें वन ऑफ द चॉइस देखने को मिलता है। एंड फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो, तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।